टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में किस खिलाड़ी का चयन होगा और किसे मौका नहीं मिलेगा, इस बहस पर विराम लग गया है। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। भारतीय टीम के सिलेक्शन में आईपीएल के प्रदर्शन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसी आधार पर शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। भारतीय टीम में आईपीएल की 6 फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को जगह मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 4 फ्रेंचाइजी का एक भी खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। आईपीएल 2024 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स की टीम कर रही है। इस टीम के 3 खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल भारतीय स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, लेकिन पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज कोलकाता नाइट राइडर्स का एक भी खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। इसी तरह जिस सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में 2 बार 270 से बड़ा स्कोर बनाया, उसका भी एक भी खिलाड़ी भारतीय टीम में चुने जाने लायक नहीं माना गया। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के क्रिकेटर भी भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए। मुंबई इंडियंस के 4 खिलाड़ी टीम में, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के 4 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह दी गई है। इनमें कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान हार्दिक पंड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स के 3 खिलाड़ियों को, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को भी भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है। आरसीबी सीएसके के 2-2 खिलाड़ी चुने गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के 2-2 और पंजाब किंग्स के 1 खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। आरसीबी के विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम में जगह बनाई है। पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह को भी टीम में चुना गया है। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम के अलावा 4 रिजर्व खिलाड़ी भी चुने हैं। इनमें गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह, राजस्थान रॉयल्स के आवेश खान और दिल्ली कैपिटल्स खलील अहमद शामिल हैं।